हेलो एंड वेलकम बैक टू बजट किचन। भाई अब जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज आई लव मेक्सिकन फूड, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और ये रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही कम है, यानी कि हम बनाएंगे एक बजट में बहुत बढ़िया सी रेसिपी। पर उससे पहले मैं आपको हमारे जो गेस्ट है उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा शालिनी जी से। हाय शालिनी जी। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, गुड। डू यू वॉच फूड फूड? यस, आई एम क्वाइट अ बिग फैन ऑफ फूड फूड चैनल। ओके, and it's a food food channel, so it is helps me to get some inspiration and start cooking again. Badhiya, fantastic. aap ghar pe khana kya banate? Actually hum log north indian khana zyada khate hain, like rajma dal, urad ki dal aur wo sab ji, and of course non veg bhi aa jata hai usme, so okay. mostly non veg aur ye sab jo hai wo north indian zyada hai. okay, to aap rajma, of course since you are from north india, तो राजमा से आप वाकिफ होंगे? बहुत ही। तो आप राजमा से कभी सूप बनाए आपने? नहीं, राजमा से कभी नहीं बनाया। चलिए तो मैं आपको बढ़िया सा एक सूप सिखाता हूँ, राजमा बेस है। okay. तो लेट्स बिगिन। उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए अनियंस, तो अनियंस को काट लेंगे हम। अनियंस को हम फाइन चॉप कर लेंगे। चलिए हमारे अनियंस चॉप हो चुके हैं, अब उसके लिए मुझे चाहिए थोड़े से ग्रीन चिलीज। अब हम काटेंगे गार्लिक। गार्लिक अगर आपको कम पसंद है तो आप एक गार्लिक डाल दीजिए, अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप दो डाल दीजिए। पर राजमा का सूप है तो इसमें ज्यादा गार्लिक चाहिए होता है जनरली। करेक्ट, तो इसीलिए वी विल पुट गार्लिक अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, क्योंकि इट इज लिटिल कॉन्टिनेंटल जैसी डिश है। okay. तो थोड़ा ओवर पावरिंग हम नहीं करेंगे, थोड़ा उसको हल्का रखेंगे गार्लिक के ऊपर। तो वी विल स्टार्ट आवर गैस और उसके अंदर डाल देंगे हम न्यूट्रेला का सनफ्लावर ऑयल। उसके अंदर विटामिन ए, डी और ई है। उसका मतलब ये कि इट गिव्स अ बेटर शेल्फ लाइफ, वो तीन गुना ज्यादा चलता है और फ्राइंग के लिए ये बहुत बढ़िया है। पर फिलहाल हम फ्राइंग नहीं कर रहे, तो हम एक चम्मच जितना ऑयल लेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर डालेंगे हम हमारे अनियंस, गार्लिक और ग्रीन चिलीज। चलिए हमारे अनियंस, गार्लिक और चिलीज हो चुके हैं, तो इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा राजमा। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से मसाले। जब तक मैं मसाले डालता हूँ, यू कैन स्टोर इट फॉर मी। थैंक यू। इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर। इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा सॉल्ट। ये बढ़िया सा मसाला राजमा के अंदर मर्ज हो चुका है, तो हम इसके अंदर डालेंगे पानी। ओके, इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा लेमन जूस। इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा क्रैक पेपर। शेफ, ये ब्लैक पेपर है या व्हाइट पेपर है? इट इज अ ब्लैक पेपर। जो पेपर कौन सा आते हैं, मैक्सिको में राजमा और कॉर्न काफी खाया जाता है, और बिकॉज वो वहीं पे उगता है, इट इज देयर, जैसे बोलते हैं घर की खेती होती है उनकी। चलिए बातों बातों में हमारा सूप रेडी हो गया, इसको हम सर्व कर लेंगे। थोड़े से और राजमा इसके अंदर डाल देंगे। इसकी जो राजमा का कलर है वो बहुत ही अच्छा आया है। यस, इट इज लुकिंग वेरी प्रिटी। इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, जो हमने चॉप किया था गार्निश के लिए। ये डाल दिया धनिया। भाई इसके अंदर से बहुत ही बढ़िया अच्छी खुशबू आ रही है। आई कैन नॉट वेट टू टेस्ट दिस सूप। मैं गारंटी भी देता हूँ कि ये सूप जितना टेस्टी है, इतना बजट में भी बनाया है, आपको भी बहुत मजा आया होगा। आप लिख लीजिए ये रेसिपी के नोट्स। एंड शालिनी जी, थैंक यू वेरी मच कमिंग ऑन द शो। इट वाज अ प्लेजर एंड आई डेफिनेटली ट्राई दिस रेसिपी एट होम, एंड इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू एंड लर्निंग समथिंग डिफरेंट। और नया कुछ सीखने को मिला, स्पेशली विद राजमा, जो हमारी एक नॉर्थ इंडियन टिपिकल डिश। श्योर, प्लेजर इज ऑल आस। तो हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। मैक्सिकन चिली बीन सूप बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, हरी मिर्च और लहसुन बारीक काट लीजिए। एक पैन में तेल गरम कीजिए और प्याज, लहसुन और हरी मिर्च ऐड कीजिए और सॉटे कर लीजिए। अब ऐड कीजिए पका हुआ राजमा और डालिए लाल मिर्च,
जीरा पाउडर और नमक और एक मिनट स्टर करते हुए पका लीजिए। अब ऐड कीजिए थोड़ा पानी, नींबू का रस और थोड़ी काली मिर्च और 5 मिनट तक पका लीजिए जब तक उबाल नहीं आ जाता। मैक्सिकन चिली बीन सूप को एक बोल में निकालिए और चॉप धनिया से गार्निश करके सर्व कीजिए।